हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और फाइनली गाइस ओईएक्स कॉइन का विड्रॉल की अपडेट आ चुकी है, कितने परसेंट के विड्रॉल होने वाले हैं और इनकी टोकनॉमिक्स भी रिलीज कर चुके हैं। अभी मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको कितना परसेंट टोकन मिलने वाले हैं और साथ ही में कब आपको विड्रॉल मिलने वाले हैं और कितने परसेंटेज में आपको विड्रॉल देने वाले हैं, इनिशियल देंगे या नहीं देंगे, इन सब के बारे में वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और आप सबको अगर नहीं पता है न्यू यूज़र को कौन सी माइनिंग थी, तो गाइस सतोशी ऐप के अंदर ये ओईएक्स कॉइन की हम माइन कर रहे थे उसके बारे में अभी डिटेल बताने जा रहा हूँ। और गाइस ये डिटेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कितनी सप्लाई थी, ये थी, कब विड्रॉल होता है, स्टार्टिंग में विड्रॉल देंगे भी या नहीं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास अगर 5 से 10 मिनट है तो ही वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करते जाएं। तो गाइस फाइनली है कि ओईएक्स टोकन की टोकनॉमिक्स आ चुकी है और विड्रॉल के बारे में सब कुछ बताया, कितना परसेंटेज का विड्रॉल वगैरह देने वाले हैं। अभी मेनली बात आती है ये कहाँ पर अपडेट आई है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ये अपडेट आई है गाइस इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अंदर, यहाँ पे है कि 17 घंटे हो गए तभी ये अपडेट आई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है टोकोनॉमिक्स के बारे में पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करोगे ना तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए बोला कि पूरा वीडियो कंप्लीट देख लो। यहाँ पे क्लियर कट जो भी है मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का, यहाँ पे टोटल गाइस 4 फैक्टर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स टोकन को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो जान लो। कम्युनिटी के लिए एड्रॉप के लिए 20% रखा गया है, अर्ली कॉन्ट्रीब्यूट्स के लिए 10% रखा है, कोर टीम के लिए 15% रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ओईएक्स फाउंडेशन के लिए 25% का रखा गया है और उसके बाद गाइस स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 30% रखा गया है। तो इसमें आपको अभी प्राइस भी पता चलने वाली है कि एक टोकन की प्राइस कितनी हो सकती है, ठीक है। बट सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर करना है सब यूज़र का, वो है गाइस यहाँ पे आके दो चीज़ मेंशन की है, कम्युनिटी रिवॉर्ड और अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो इसमें से हमारा टोकन कौन सा है जो हम माइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस हमारे टोकन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स 10% वाला है। रीज़न आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि वेस्टिंग लगाई हुई है। तो वेस्टिंग किसके लिए लगती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट के माइनिंग करते हैं उनके लिए लगती है। तो ओवरऑल जो 10% का टोकन है ये हमारे लिए है, तो ये क्लियर हो गया आपका डाउट, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि 20% तो किसके लिए, ये गाइस डेवलपर्स के लिए, ठीक है। ये 20% किसके लिए, डेवलपर्स के लिए, जो इनके के जो डैक्स है उसके अंदर है, क्या न्यू इनोवेशन लाएंगे, न्यू कुछ बिल्ड करेंगे, उनके लिए है, ठीक है। ये 20% ये हमारे लिए नहीं है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोर टीम के लिए 15% रखेंगे, ये लॉकिंग रहेंगे। यस गाइस कोर टीम के लिए लॉकिंग रहेंगे और ये है ओईएक्स फाउंडेशन, मतलब ओईएक्स टीम रहती है ना उनके लिए रहेंगे 25% के टोकन और इसमें से थोड़े टोकन अनलॉक होंगे शायद। और जो स्टेकिंग के लिए रखे गए 30% उसमें से गाइस कोई भी रिवॉर्ड, मतलब कोई भी टोकन बाहर नहीं आएगा लिस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है, स्टेकिंग रिवॉर्ड गाइस लिस्टिंग के बाद इनिशिएट होता है, ठीक है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि टोटल सप्लाई कितनी हो रही है करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स 10% लिखा हुआ है ना। और आप सतोशी कोर ऐप के अंदर आ जाते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाओगे, ओपन ईएक्स में जाओगे, तो यहाँ पे हमको टोकन कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 बिलियन के सप्लाई के हमको टोकन मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 बिलियन टोकन है वो इनकी 10% की सप्लाई है, ये अभी वेरीफाई हो गया। तो आप पूछोगे पहले भी इन्होंने दिया था, गाइस जब स्टार्टिंग में इन्होंने एक अपडेट दी थी ना तभी बोला था कि 10% के टोकन एड्रॉप के लिए रखे जा रहे हैं, बट उसके बाद वो ट्वीट इन्होंने हटा दिए थे, ठीक है। तो अभी वापस यहाँ पे जो टोकोनॉमिक्स दिया है उसके वजह से अभी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। टोटल गाइस इनकी सप्लाई रहेगी वो है 10 बिलियन टोकन की और उसमें से हमको जो एड्रॉप के लिए रखे गए वो उनके 10% है, जो बनते हैं गाइस 1 बिलियन, अगर हम हिंदी में बोले तो 100 करोड़ टोकन, ठीक है। और यहाँ पे जो विड्रॉल की बात की थी इन्होंने वो की थी गाइस यहाँ पे इन्होंने मार्च में, ठीक है, 20 मार्च 2024 को। बट अभी यहाँ पे आपको विड्रॉल मार्च में मिलेंगे क्या, नहीं गाइस आपको मार्च में विड्रॉल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने चीज़ मेंशन की है, इस सेक्शन में भी चीज़ें मेंशन की है कि आपको मार्च में विड्रॉल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे वो भी आपको इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि लॉकअप करके लिखा हुआ, लॉकअप में इन्होंने क्या लिखा है कि टू एंश्योर, ठीक है, टू एंश्योर कम्युनिटी टू अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने कि इनिशियली नो रिलीज इन द इनिशियल 2 क्वार्टर्स, मतलब जब है क्या ये लिस्टिंग होगा ना तभी आपको 2 क्वार्टर तक ये विड्रॉल नहीं देंगे, मतलब
क्वार्टर मतलब क्या रहता है गाइस, एक साल में चार क्वार्टर रहते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दो क्वार्टर हो गए, तो दो क्वार्टर तक हमको विड्रॉल नहीं मिलेगा, जून तक हमको विड्रॉल नहीं मिलेगा, तो मतलब लिस्टिंग तक हमको विड्रॉल नहीं मिलेगा, उसके बाद हमको विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। अभी सेकेंड बात आती है कि हमको कितना विड्रॉल मिलेगा स्टार्टिंग में, भले है कि जून में मिले, कितना विड्रॉल मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है तो लोग बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो उसका कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ ग्रेजुअली रिलीज प्लान ओवर टू इयर्स, मतलब दो साल तक आपके टोकन रिलीज किए जाएंगे विद द टोकन्स डिवाइडेड इंटू एट क्वार्टर्स, एक साल में चार क्वार्टर रहते हैं तो दो साल में आठ क्वार्टर हो गए, ठीक है। उसमें भी रिलीज कैसे करेंगे, हर एक क्वार्टर के अंदर मीन्स हर एक तीन महीने के अंदर 1.25% का टोकन अनलॉक किए जाएंगे। किसमें से 1.25% अनलॉक करेंगे, 10% जो 1 बिलियन टोकन है ना उसके अंदर से 1.25% के टोकन अनलॉक करेंगे। तो बहुत लोग सोच रहे हैं बस 1.25%, ऐसा नहीं है ये गाइस, टोटल 1 बिलियन में से 1.25% है। तो इसको आप ऐसा समझो कि 1 बिलियन मीन्स कितना होता है, 100 करोड़ होता है, ठीक है। तो 100 करोड़ में से 1.25%, ठीक है, तो मतलब बनता है 12.5, ठीक है, मतलब 12.5 करोड़ टोकन, ठीक है, ये आप समझ जाओ 12.5 करोड़ है, ठीक है, ये करोड़ है, 12.5 करोड़ टोकन ओवरऑल, ये बोल रहे ओवरऑल रिलीज किए जाएंगे, मीन्स आपके 12.5% के टोकन रिलीज करेंगे स्टार्टिंग में, कब करेंगे, जून या फिर जुलाई के अंदर स्टार्टिंग अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है, 12.5% के टोकन आपके अनलॉक होने वाले हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अभी आप बोलोगे कैसे करके, देखो 12.5% है मीन्स 12.5 करोड़ टोकन इंटू हम कितना 8 क्वार्टर बोला, तो 8 क्वार्टर करेंगे तो आगे गए 1 बिलियन टोकन, ठीक है, 100 मीन्स 1 बिलियन टोकन आगे, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, इनिशियली आपके जो जून या जुलाई मंथ में जो विड्रॉल देंगे वो गाइस मतलब अनलॉक करेंगे वो है 12.5% के टोकन। आपके पास समझो एग्जांपल 1000 टोकन है तो उसका 12.5% कितना हुआ, 125 टोकन आपको इनिशियली अनलॉक किए जाएंगे। आपके पास 10,000 टोकन है तो आपको मिलेंगे 1250 टोकन इनिशियली अनलॉक किए जाएंगे, ठीक है। तो सब कन्फ्यूजन दूर हो गया, हमें आगे जाके प्राइस की बात कर लेते हैं। बाकी ये सब अभी प्राइस के लिए हमको ये क्लियरली जानना जरूरी है कि मार्केट में कितने टोकन आएंगे। तो गाइस ये 10% के टोकन नहीं आएंगे, यहाँ जो 20% के उसमें से हम अंदाजन ले तो 10% के अगर टोकन आए, ठीक है, 10% ये हो गए, और जो OEX फाउंडेशन है इसके अंदर से 10% आ सकते हैं, तो टोटल हम सोचेंगे 20% के टोकन मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो अगर गाइस 10 बिलियन के टोकन के अंदर 20% अगर टोकन मार्केट में आ गए तो भी वो गाइस 200 करोड़ के टोकन बनते हैं, ठीक है। तो हम मार्केट कैप अगर है कि 15 करोड़ डॉलर भी समझ लें इनिशियली, तो गाइस हम इसको डिवाइड करेंगे अगर 200 मिलियन के टोकन आने वाले हैं, ठीक है, सॉरी गाइस 2 बिलियन के टोकन मार्केट में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आपको प्राइस ये वाली नज़र आ रही है, बट जब ये लिस्टिंग होती है ना कोई भी एक्सचेंज के अंदर तो कभी भी प्राइस है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है 10 गुना ऊपर होती है। तो ओवरऑल प्राइस गाइस $0.75 का एक टोकन का प्राइस इनिशियली हो सकता है, और ये जाते जाते $1 तक भी आराम से चला जा सकता है, ठीक है। बट एक बैड ये न्यूज़ है कि हमको एक इनिशियली विड्रॉल नहीं मिलेगा, मीन्स स्टार्टिंग में हमको विड्रॉल रहेगा ना गाइस, वो हमको विड्रॉल नहीं देने वाले हैं, ये क्या करेंगे लिस्टिंग के बाद हमको विड्रॉल देंगे, वो बुरी बात है थोड़ी मुझे लग रही है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस यही थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।